नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और रोचक विषय लेकर। आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा से। वैसे तो भारत भूमि अनेक महान योद्धाओं के जीवन, त्याग, बलिदान और बहादुरी की गाथाओं से भरी पड़ी है। उनमें से प्रमुख रूप से महाराणा प्रताप का नाम आता है, जिनके बहादुरी के किस्से सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। भारत के महान योद्धाओं ने जीवन भर अपने बहादुरी के दम पर हमेशा विरोधियों को पराजित किया और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके। इसी परिभाषा को परिलक्षित करते हुए महाराणा प्रताप का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने कभी भी धुर विरोधी बादशाह अकबर के सामने पराधीनता स्वीकार नहीं की और पूरा जीवन अकबर से लोहा लेते रहे। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन इतिहास से जुड़ी कुछ शौर्य गाथाएं, जो आज भी स्वतंत्रता की राह पर चलने का सही मार्ग दिखाती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई तथा महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी पत्नी का नाम अजबदे पुनवर था तथा उनके 17 पुत्र थे, जिनमें अमर सिंह उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से बड़े प्रतापी वीर योद्धा थे तथा वे स्वाभिमानी और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते थे। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिनके कारण वे अपने जीवन में कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके। उन्होंने कई वर्षों तक कई बार मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किए। उनकी इसी दृढ़ वीरता के कारण बादशाह अकबर भी अपने सपने में महाराणा प्रताप के नाम से कांप जाता था। महाराणा प्रताप इतने बड़े वीर थे कि वे कई बार अकबर को युद्ध में पराजित भी कर चुके थे। उनकी यही वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं, जिसके फलस्वरूप अकबर ने शांति प्रस्ताव के लिए 4 बार शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने पूरी तरह से हर बार अधीनता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन शांति दूतों में जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल थे। लेकिन महाराणा प्रताप कहते थे, मैं पूरी जिंदगी घास की रोटी और पानी पीकर जिंदा रह सकता हूं, लेकिन किसी की पराधीनता मुझे तनिक भी स्वीकार नहीं। जिसके चलते महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी मुगलों से संघर्ष करते रहे और फिर 29 जनवरी 1597 को दुर्घटना में घायल होने के पश्चात अपने प्राणों को गंवा दिए। लेकिन भले ही महाराणा प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बहादुरी के किस्से आज भी जनमानस में अति प्रसिद्ध हैं। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध महाराणा के जीवन का अति महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की वीरता के लिए जाना जाता है। महज 20,000 सैनिकों को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगलों के 80,000 सैनिकों का मुकाबला किया, जो अपने आप में अद्वितीय और अनोखा है। इस युद्ध में मुगल सेना का संचालन मान सिंह और आसफ खान ने किया था, जबकि मेवाड़ के सैनिकों का संचालन खुद महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी ने किया था। इतिहासकारों की दृष्टि से देखा जाए तो यह युद्ध कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता के मुट्ठी भर सैनिक मुगलों के विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और फिर जान बचाने के लिए मुगल सेना मैदान छोड़कर भागने भी लगी थी। इस युद्ध की सबसे बड़ी यही खासियत थी कि दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही थी, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप के पराक्रम से इतना खौफ हो गया था कि उसने अपनी राजधानी आगरा से सीधा लाहौर विस्थापित कर ली थी और फिर दोबारा महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात ही उसने अपनी राजधानी को आगरा बनाया। महाराणा प्रताप को बचपन से घुड़सवारी करना बहुत पसंद था, जिसके फलस्वरूप एक दिन इनके पिता एक अफगानी सफेद घोड़ा और दूसरा नीला घोड़ा पसंद करने के लिए बोले, लेकिन दूसरे भाई की पसंद के आगे महाराणा प्रताप को नीला घोड़ा मिला, जिनका नाम महाराणा प्रताप ने चेतक रखा था। महाराणा प्रताप की तरह उनके घोड़े की वीरता के किस्से भी इतिहास में सुनने को मिलते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघहिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात युद्ध के चाहे कितने भी विकट परिस्थितियों में महाराणा प्रताप क्यों न फंसे हों,
लेकिन उनका प्रिय घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और हमेशा सफल भी होता था। उसकी फुर्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराणा प्रताप के तनिक इशारे पर चेतक हवा की चाल में उड़ने लगता था। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया था और भागते समय 21 फीट की चौड़ाई के नाले को पार करने के पश्चात चेतक कुछ दूर चलते ही गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हुई। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप बहुत ही दुखी रहते थे और चेतक की मृत्यु का दुख उन्हें दिन रात सताता था। एक सच्चे राजपूत के रूप में बेहद पराक्रमी देशभक्त योद्धा के रूप में हमेशा महाराणा प्रताप का नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप के पराक्रम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और वो आज भी हमारे देश के शौर्य, साहस, राष्ट्रभक्ति के मिसाल बन गए हैं, जिसके नाम से ही हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। महाराणा प्रताप पर पहली बार रिसर्च करने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि प्रताप अपनी राजधानी चावड़ में ही शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना धनुष निकाला और उसकी डोरी को खींचा। एकाएक उनकी आंत में खिंचाव आ गया। बाद में चावड़ में उनका इलाज चला, लेकिन 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में आंत में आए खिंचाव के चलते महाराणा प्रताप का निधन हो गया और इस भारत माता के शूरवीर ने हमेशा हमेशा के लिए इस भारत माता को अलविदा कह दिया। परंतु पीछे छोड़ गए तो अपनी शौर्य गाथा, जो हमेशा हमेशा भारतीय लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। हम भारत माता के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम करते हैं। आशा करता हूं आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।